इस एहतजाज का, इस रैली का बुनियादी मकसद उन इसराइली मजालिम के खिलाफ और अपने उन फलस्तीनी बहनों भाइयों के साथ इजहारी यकजहती के लिए है। इस क्या आप पर जो कुछ मजालिम हो रहे हैं, पाकिस्तान के आवाम आपके साथ इसमें शरीक है। मुस्लिम लीग की मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क्यादत में आपके साथ शरीक है। और आज जो ये एहतजाज हो रहा है, उसी दिन असेंबली में शहबाज शरीफ की तकरीर के बाद जो उसने तजवीज दी कि जुम्मे के दिन पूरे मुल्क में पुरअमन एहतजाज होना चाहिए और अपने बहनों भाइयों के साथ इजहारी यकजहती होनी चाहिए, तो हम याद करते हैं कि इस मुश्किल की घड़ी में हम अपने उन बहनों भाइयों के साथ हैं। और ये तो एहतजाज है, अमलन भी जो किरदार अदा करना पड़ा इंशाअल्लाह देते रहेंगे। नमाजियों पर बम बरसा दिए, 60 से जायद मासूम बच्चों को उन्होंने शहीद करा दिया। हमें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या इस तरह उम्मत मुस्लिमा पूरी दुनिया में क्या मैसेज देना चाहते इसराइली। और मैं ये जरूर कहता हूं कि वही यूनाइटेड नेशन किधर है, वही इंसानी हकूक के तंजीमें दुनिया में किधर है कि इन मजालिम को वो नहीं देख रहे। जो मजालिम के पहाड़ बरसाए जा रहे हैं वही फलस्तीनियों पर, क्या उनके आंखें नहीं है, कान नहीं है, उनको सुनते और देखते नहीं है। हमारी एक पर जोर अपील है कि यूनाइटेड नेशन इसकी फिलफोर एक्शन ले ले और उन मजालिम को बंद कर दिया जाए। इस टाइम मुस्लिम उम्मा को लीडरशिप की जरूरत है, इसी तरह दलेर लीडरशिप की जरूरत है कि वो आगे फ्रंट पर आए और इन मुसलमानों की नुमाइंदगी करे कि अगर हमने फलस्तीनियों का साथ नहीं दिया, अगर हमने कश्मीरियों उन मजलूमों का साथ नहीं दिया तो मुश्किल हो जाएगा किसी जगह इस्लाम का दिफा करना। अगर आज हम उसी पर खामोश रहे, मस्जिद अक्सा और वही जो फलस्तीनियों के साथ हो रहा है, तो कल फिर हो सकता है कि वो लोग मदीने की तरफ भी बढ़ेंगे, वो लोग मक्के की तरफ भी बढ़ेंगे, उनकी अवसर अफजाई होगी और इस्लामाबाद भी नहीं छोड़ा गया, ये यहाँ भी बढ़ेंगे। हम इस्लाम का जज्बा लेकर दिल में ईमान के इसके लिए निकले, मगर हमें दुख होता है इस बात पर कि पाकिस्तान के वजीर आजम अगर नामूसी रिसालत की बात आती है करारदाद की तो असेंबली से पार्लियामेंट से गायब रहता है और अगर फिर दोबारा फलस्तीनियों के साथ इजहारी यकजहती की बात आती है तो पाकिस्तान का वजीर आजम पार्लियामेंट में नजर नहीं आ रहा है। पार्लियामेंट में आना अपने तोहीन समझते हैं। हम उस वजीर आजम से पूछते हैं कि आप अगर एक इस्लामी मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम है, अपने आप को वजीर आजम कहते हैं, तो आपको इन पाकिस्तान के मुसलमानों की हकीकी तर्जुमानी करनी चाहिए। आपने अगर आपकी फॉरेन फंडिंग में इसराइल से पैसे आए हो, आपके फॉरेन फंडिंग केस जो पड़ा हुआ है इसमें इंडिया से पैसे आए हो, तो वही हक अदा न करे। आप एक वाजे लाइन ड्रा करें कि आप मुसलमानों के साथ है या उन लोगों के साथ है। इस पर वो कई पूरी पाकिस्तानियों को दिलों को दुख पहुंचाए।
कि फलस्तीनियों के साथ इजहारी यकजहती के दिन भी वजीर आजम पार्लियामेंट से गायब रहता है और पार्लियामेंट में आकर एक बात ही नहीं करते, कितनी शर्म और अफसोस की बात है। आज अगर यूनाइटेड ने जांच रिकॉर्ड करने जा रहा है उसमें अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ भी शामिल है, उनकी तजवीज पर जा रहा है, तो मैं कहता हूं कि इस टाइम में अपने जाती फायदों को छोड़कर उन मुसलमानों के साथ खड़े होने की जरूरत है, वो फलस्तीन में हो, वो कश्मीर में हो, वो किसी और जगह, उन पर मजालिम ढाए जा रहे हैं। तुर्की से सीख लो, उसके लीडर से सीख लो कि किस तरह साथ दिए और किस तरह डट के बात की। हर एक लीडर को इसी तरह बात कर लेनी चाहिए और खसूसन पाकिस्तान की तर्जुमानी, पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम की दिलों की तर्जुमानी कर लेना चाहिए। सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं, सिर्फ फेसबुक पर बयानात नहीं, अमलन पार्लियामेंट और इसमें आकर डट कर दलीरी से बात कर लेना चाहिए। वाकई उस सोकार वजीर आजम ने इन सारी 22 करोड़ आवाम की दिल आजारी की है, उसको अपना रवैया तब्दील कर लेना चाहिए। अगर आज हमने आवाज बुलंद नहीं की तो ये आवाजें दबते दबते फिर कोई मुसलमान किसी जगह आवाज बुलंद नहीं कर सकेगा। ये सिर्फ फलस्तीनियों के खिलाफ नहीं, ये पूरे मुसलमानों के खिलाफ साजिश हो रही है। उस साजिश को हमें नाकाम करना होगा, उसको कुचलना होगा और पूरी दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठे होकर अपने इन मजलूम बहनों और भाइयों का साथ देना होगा।